আরে বোকা আজ ফাইনান্স বাবদরে মিটিং রে তু মতে যে হেল্প কলু সেতিরে মোর কাম হই গলা এমিতি হেল্প করথা মতে তোতে মু মালামাল করদেবি আকু দেখি কি লাগুনি ইয়ে মতে ভাগ্য দব ইয়া উপরে মোর জমা বি ভরসা নাই আজিকালি यार बुद्धि बहुत गजुरुचे आ आजकल ता धारो भी बहुत तेज हो जाई छे अरे हां तते मु यूपीआई रे पैसा पठे दे छे फोन चेक कर पुणे काम पड़ले तते मु कहि भी अच्छा हो तू ये फोन रख आ वॉइस कर ओए तू इमती माकड़ बेले कोन गोड़ी देखछु भीतर को मो भाई मालो अरे तू ये कौन करछु बका तू मते कौन कहू देवी मैं भाविलु उठ उठ मु तो यही थी भाई दंडवर्त हैली कि तो स्पीड देखी ना मते बहुत जोर डर लगुच अरे कित्ते जोरे उड़ुचु जानिछु तो ठीक है संभाळ के उड़ इठी आराध्या बढ़िया स्मार्ट झियो छे आउ ताकू जदि टिके भी संदेह हो ना तो डेणा को चांची के काटि के फिंगी दबो आउ मोर भी अस्तान इठी उठि जिवो आउ मु कोन करबी बेडिंग पत्र बांधि छु दौड़ीबी सुजु गोटे जमाना रे तू ए शहर रे नटवर लाल थिलु आउ सेत पई मु तो साथ दोथिली किंतु तू तू से कायरा चक्कर मत छाड़ देलु तापर कायरा तते नात मारदेला आउ जाई कौरन को बाहे गला तापर तू बार द्वारे रहिलु कि तुमु मु एकुटिया समस्त गोटरे जरी सफा कर देली जानिछु आज मो पाके कित्ते प्रॉपर्टी अछि जदी तो पखरे एते प्रॉपर्टी अछि काहे कि एनेतने मु मारछु शांति रे टिके बंचुनु अरे सीधा रास्ता मते पोसाइनी रे खुशी मिलेनी कहा को ठके कि मालामाल न होले मो मुंडो काम करेनी तो कथा सुनी कि मो मुंडोटा बुलेई दोछि सीरियसली मते बहु जोर डर लागछि तू एक काम कर तू जोठु आस्तिलु सेठी के पळा मो मधु को मैनेज कर किचन रहि छिबे अरे सुजु मु एबे बुझी गलि मु एठी के आसले बळे तू भारी प्रशंसा करथुलु कहिलु कोन ना मु भारी चालाक हेय छि मु तते क्लीन चिट देला परे तो इज्जत बदली गला मते एटु भगे कि एटिका सब माल सफा करे तू एकुटे निजु नै किंतु मो बंटी रे मो खजुरी ए बबली तते सब माल हड़प करिया को दबनी तू एबे जहा बे करबु मो सहित मिसी कि करबु नहले एथर बु तते मु क्षमा करबिनी तते मु खजुरी रु आंबो सोडा कर देबी सतरे ये सही कर दो ये ना बहुत चालक ताले कह मते कौन करिया पड़ियो एबे बाट को आसी गलो सुन तू एमती करनी रंजना तू एमती करी कि ना नियारे खेलिबु अरे मु तो गोटे नीचे निया होला जे मो पाख को आसीबो से नीचे जळे जीवो एबे तू कह मो साथ दबो त अन्य को चारा अछि कि मोर एबे खाली भलो भाई टे मो सो नाटक करता बाकी सब मु बुझ देबी अच्छा मते रे कथा कहिलु ए घरे सबुट बेसी का कथा मानंती आराध्या कथा आउ का कथा बस ताहले मु मीठा जहरटा ताकू आगो खुएबी आगो ताकू हाथ को नेबी तापर समस्ते आपे आपे मो हाथ मुठा को पड़ी आसबे
बाहर कहीं छड़ाई छो भीतर को आस मधु दीदी ज्वाई बाबू डाक चंदे तांका देह भल नै ना सेत पे मु डाकिया पे आस्तले ओ अच्छा अच्छा सुजीत तते भाउज डाकु छथि जा तांका देह टिके भल होली मु जाई देखा करतेबे रमेश एणिकी जिते बड़े रूम को आसिबो डॉक्टर नौ करके आसिबो सेठी ठिया हबनी मते फील होची ये मते टक्कर दबो जहाँ भी हो मजा लगुची ए घरे अलगा प्रकार गोटे वाइब अच्छी रंजना तुमको ये सब कंफर्टेबल लगुच तो जदि किसी दरकार पड़ब मत कह सियोर आराध्या निश्चय कह तुम्हें एमती भी जी आरेंजमेंट कर मत बहुत भल लगुच थैंक्स यू आर वेलकम ताल मुझे आसूची सेपट अनुराग मत वेट कर सियोर सियोर तोठू सबू कि छड़े न पारि मजा आसीबो बहुत मजा अनुराग आज समीर कर कॉल आसला आम को ओल्ड एज होम जीबा आम दीज को जीवा को पड़ा प्लीज कल तुम टे टाइम बाहर करदब सॉरी आराध्या कल मोर गोटे इम्पोर्टेंट मीटिंग अच्छी तो मुझे जाई परबिनी ठीक अच्छे मु समीर को मना कर दो छे अरे नहीं 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 मना करबे ठीक होबनी ओल्ड एज होम माने किछ गोटे सोशल कॉज थिबो तेमति मना कर देबटा ठीक होबनी आराध्या किंतु तमो बिना मु एका किमिति जिबे आराध्या तमे जाई परबो एतरे प्रॉब्लम कोन अछि सबरी जे नाइस गाय बहुत भद्रसी तासर तमे दिजन तो प्रोफेशनली कनेक्टेड ना बुझू छी किंतु प्लीज तमे चालो ना आराध्या तमे एंती छोटो पिला के बले जीत कोन करछो प्लीज ओके 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 चेष्टा करबी चेष्टा नो तमे चालो ओके बॉस गुड बाय ताले मो प्राइस ता दियो तमे आराम से बस मु सब काम करतेबी भाउज मते ए सब काम करिया को भल लागे प्लीज तमे मना करनी अरे मां तमे सब कोन पे करछ तमे घर रे अतिथि ना तमे सब करिबो हम को ठीक लागिबनी ना मु अतिथि काहे के बे आंटी मु त आपन को जियो ना जियो माने कोन घर काम करतनी प्लीज आपण मते मना करंतनी बरं आपण को सेवा करिया को दियंतु मते भलो लागिबो इरा अनुराग आराध्या समने कोडे गले अरे समने को जाके डाको आंटी नमस्कार समीर नमस्कार आसो आसो मिते गास तमे बहुत बढ़िया टाइम रे आछ बसो आ हम से तो ब्रेकफास्ट करो ना आंटी डेरी है जीवा ओल्ड एज होम को जीवार अछि हां सेठी की तो निश्चय जीवा किंतु ता पूर्वर ब्रेकफास्ट तो करिक जीवा ना ए रमेश जाना तू अनुराग आ आराध्या को डाक दे जा ये हो चंती फिल्म रो बहुत बड़ा डायरेक्टर समीर ओ नाइस समीर हेलो हाय ये किछ जदि गड़बड़ करे मो काम शेष अरे छिड़ा हल कहीं बस अनुराग बस बस
एक्सक्यूज मी। हेलो आराध्या, फैक्ट्री में मेसिन किसी प्रॉब्लम हो गई मत अर्जेंट सिटी जीवा पड़ो तुम्हें तुम्हें समय सब चल जा अनुराग मु तुम सहित जाई परबी ना ना तुम ऑफिस जा मु फैक्ट्री गला बाटे ऑफिस पड़ो तुम से ड्रॉप कर देबे आसो ठीक अछि तले चलो अनुराग जाऊ ना हाले समीर को संगरे ओल्ड एज होम जीवा को मोर जमा भी इच्छा नहीं किंतु कौन करबे मना भी करि परबी नहीं अरे दिया हम धारिबा ओल्ड एज होम बहुत दूर रे हम पहुंचे हो टाइम लगी हो मामा मास जी हाँ माँ जा आंटी आसु दले मधु को देह आग अपेक्षा बेटर अच्छे सान माँ मफी जी आमती भी रंजना दीदी आज प्रथम दिन ऑफिस रे नहीं नहीं सुचेत तुम जी किसी दरकार नहीं तुम तुम्हें बर मधु पाखे रुह ताखे रहा किए जन दरकार मधु मोर बिल्कुल भी दरकार नहीं फालतु रे मुठी फसुच हाँ सान बाप मो मधु पाखे रोच रमेश तुमर भी कौटी जबार अच्छे कि नहीं नहीं भाज मुटे कथा भावुली चाहू चाहू घरे केते कौन बदली गला ना हाँ जहाँ भी बदली सब घर भलपाई ए देखुन रंजना आसला अनुराग को ऑफिस रो गोटे सपोर्ट मिलला आउ आराध्या आराध्या तार नुआ कैरियर स्टार्ट कला आउ फिल्म भी कला ताको सक्सेस भी मिलला हाँ समीर भली जाने पोटी भी मिलगला मु भावुची जहाँ भी हूँ सब ठीक ठाक चल सब भल हम ना कौन समीर संभाल कि गोटे टायर पंक्चर हो देखु जा ग्यारेज सामने गाड़ी पंक्चर हो जाए टाइम लगे मेकानिक कर चेंज कर टायर ओके अच्छा चा पीब सामने चा दुकान अच्छे कह तुम नहीं आस हाँ रु 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 मु भी आस अच्छा तुम ग्यारेज रे बस था मुझे चा नहीं आस फैमिली विषय कहीना से मैंने कौटी अच्छा कौन है मुझे भूल पचारदेली कि नहीं नहीं तेल कहना आपण फैमिली कौटी अच्छा आपण वाइफ पिला मैंने मो वाइफ सी दुनिया नोर छर्ष झीटे हॉस्टल एत छोट पा पी हॉस्टल रे हाँ कौन करी मो काम तो एमती पाखे भी रखिपर मोर दुनिया एमती कहीं ना जे मो पा को संभा पार भेरी सैड किंतु आपण झी बहुत सुंदर ता ना कौन पीयू आप कौट देखिले डैशबोर्ड में फोटो थिला से देखिले
ପିଉର ହଷ୍ଟେଲରୁ କଲ୍। ହ୍ୟାଲୋ, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ତାର? ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଏବେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍ ଯାଇପାରିବାନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ମନା କରିଦେଉଛି, ମୋତେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହେଇଛି, ଝିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ନାଇଁ, ସେ ଆଇସିୟୁରେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଆପଣ? ହଁ, ମୁଁ ଅନୁରାଗଙ୍କୁ ବି କଲ୍ କରିଦେଉଛି, ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ସେଇଠିକି ଚାଲି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାମା ଆଉ ବଡ଼ ମାମା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି? ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଗାଡ଼ି ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା ତ? ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ପଇସା ହେଲା? 120 ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ରଖିତ। ଆରାଧ୍ୟା, ମୋତେ ତରତରିକି କହିଦେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲେନି କାହାର କ'ଣ ହେଇଛି, କିଏ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛି। କ'ଣ କରିବି, ଫୋନ୍ ବି ଲାଗୁନି। କ'ଣ ହେଇଛି, କିଏ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛି? ତ ମୋତେ କିଛି କହିଲନି, ଖାଲି ଡାକିଦେଲେ ଏଠିକି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ତମକୁ କଲ୍ କରୁଛି, ତମେ ରିସିଭ୍ ବି କରୁନ। ଆରାଧ୍ୟା, ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ସମୀର, ତମେ ତ କୁହ କାହାର କ'ଣ ହେଇଛି। ସମୀର, ସମୀରଙ୍କର ଝିଅ, ସିଏ ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି। ସମୀରଙ୍କ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ସିଏ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼। ମୁଁ ବି ଆଜି ହିଁ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯେତେ ଖୁସ୍ ମିଜାଜର, ଯେତେ ହାପି, ଯେତେ ଯେତେ ଫନି, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନ ପୁରା ସ୍ୟାଡ଼। ହଁ, ମୁଁ ବି ଆଜି ସମୀରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ ଦରଦ, ତାଙ୍କ ଲୁହ ଦେଖିଲି। ପାଟ ସାରା ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସ, ଯିବା। ମୋ ଝିଅ, ଶୁଣ ମା, ଦେଖ ଦେଖ, ତୋ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଆଖି ଖୋଲ ମା, କଥା ହ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଇଉ, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ତୋ ବାପା କଥା ଦେଉଛନ୍ତି, ତତେ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି। ଆଖି ଖୋଲ ମା, ପିଉ, ଆଖି ଖୋଲ, କଥା ହ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ପିଉ। ସମୀର, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କାନ୍ଦୁନି ତୁମେ। ଝିଅ ଯଦି ତୁମକୁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିଦେବ, ତାହେଲେ ତା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆସ, ମୋ ସାର୍ ବାହାରକୁ ଆସ। ସାର୍, ମୁଁ ଆରାଧ୍ୟା, ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଡ୍ ନର୍ସ ଥିଲି, ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମ ବିଷୟରେ। ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିହୁର କ'ଣ ହେଇଛି? ବିଚାର ମା ତ ନାହିଁ, ପୁଣି ଛାତିର ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାର। ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ତାର କେୟାର ନେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସିଏ କହୁଛି ତା ମା ଗୁଡ଼ାକ, ଆମେ ତା ମାଆକୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବୁ? ତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମା ଠାରୁ ବେଶୀ ଏ ସପୋର୍ଟ ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରିବ? ଅନୁରାଗ
ସମୀର କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେ କଣ ପେପର ସାଇନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ଆସେ। ତମେ ଏଇଠି ଅଛ ତ ସିଷ୍ଟର ଆରାଧ୍ୟା? ଏ ବିଚାରୀର ହାର୍ଟରେ ଗୋଟେ ହୋଲ ଅଛି, ୟାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କେୟାର ଦରକାର, ପୁରା ମା ଭଳି। ଅନୁରାଗ, ତମେ ସମୀରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ ନା, ସେ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ତମେ କହୁଛ ଆରାଧ୍ୟା? ସମୀର ବାହା ହେଇଗଲେ ୟାର ସାବତମା ତାର କେୟାର ନେବ ବୋଲି କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ତାପରେ ସେମିତିଆ ଝିଅ ଆମକୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ ଯିଏ ସମୀରକୁ ବାହା ହେଇକି ଗୋଟେ ବେମାର ଛୁଆର ସେବା କରିବ? ସେ କଥା ବି ସତ, ତମେ ଠିକ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଅନୁରାଗ, ମୁଁ ଏ ଝିଅର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁନି, ସହିପାରୁନି। ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋତେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ଆରାଧ୍ୟା, ଆମେ ୟା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି କି? ଆରାଧ୍ୟା, ବୋଧେ ଆମେ ୟା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିବା କୁହ ଅନୁରାଗ, ଆମେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ଆମେ ତାକୁ ତା ମା ଦେଇପାରିବା। କେମିତି? ତମ ନଜରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମା ହେଇପାରିବ? ହଁ, କିଏ? ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତମେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।